सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ मीमा से कुमार। तो दोस्तों वेलकम बैक हो गया आप सबका एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देखा, मैंने आप लोगों से कहा कि रियलमी C53 आपको नहीं खरीदना है। मैंने ऐसा क्यों कहा, चलिए वो जानते हैं आज के इस वीडियो पे। दोस्तों इसके पिछले वीडियो पे मैंने रियलमी C53 का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वहाँ मैंने इसके सारे स्पेसिफिकेशन को क्लियर करा है, प्राइसिंग क्या रहने वाली है, इंडिया में प्राइस क्या रहने वाला है, रियलमी C53 का रिगार्डिंग जितनी भी सारी क्वेरीज थी दोस्तों हमने उस वीडियो पे सॉल्व कर ली है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो बेसिकली आज की इस वीडियो पे सिर्फ हम जानेंगे कि भाई हमें रियलमी C53 बाइक क्यों नहीं करना है। तो चलिए ये मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ कि क्यों नहीं लेना है। दोस्तों जिस प्राइस रेंज तक में ये फोन आता है उस प्राइस रेंज तक में भाई इसका स्पेक्स काफी ज्यादा तगड़ा है। 6.74 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है, 108 MP तक का कैमरा है, 5000 mAh का बैटरी है, भाई स्पेक्स अंडर 10,000 तक में काफी बेहतर है। तो भाई अब आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि भाई स्पेक्स इतना तगड़ा है अंडर 10,000 में तो हमें फिर ये क्यों नहीं लेना चाहिए। अरे वेट करो, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अभी मैंने जितनी सारी स्पेक्स बताया बट मैंने प्रोसेसर का जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों रियलमी C53 में जो प्रोसेसर है वो तो मैंने आपको बताया ही होगा और शायद से आप लोगों को पता होगा, इस फोन में प्रोसेसर है UniSoC 612 का, जो कि भाई टोटली 4G प्रोसेसर है। ये 5G को सपोर्ट नहीं करता, ये 4G मॉडर्न को सपोर्ट करता है। और भाई अभी का जनरेशन तो आप जान रहे हो कि अभी का जनरेशन 5G जनरेशन आने वाला है और कई लोग तो भाई 5G यूज भी कर रहे हैं। दोस्तों जैसा 4G के आने के बाद 3G का कोई वैल्यू नहीं, आप लोग 3G का महत्व आप समझ सकते हो, अभी टोटली दोस्तों यूजलेस हो गया। वैसे ही दोस्तों अब कुछ टाइम बाद 5G जब लॉन्च हो जाएगा वैसे ही 4G एकदम यूजलेस हो जाएगा। तो भाई ये फोन लेने का ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। स्पेक्स दोस्तों इस फोन का काफी ज्यादा तगड़ा है, आप स्पेक्स को देखो तो भाई इस फोन को ले सकते हो। भाई स्पेक्स काफी तगड़ा है अंडर 10,000 में, काफी बेहतर बेहतर चीजें आपको दे रहा है ये। बट सिर्फ एक इशू है दोस्तों, ये 4G को सपोर्ट करता है, 5G को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप नेटवर्क की ओर ना देखो तो भाई इस फोन को ले सकते हो। आपको अगर 4G या 5G से कोई मतलब नहीं है तो भाई आप इसे ले सकते हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। तो होप दोस्तों अभी तक मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई वीडियो पसंद आया होगा तो भाई एक लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग हेल्पफुल कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं फिर किसी अंदर वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल दोस्तों, जय हिंद जय भारत।